हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम कई वजहों से कुछ लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिंदगी के किसी पड़ाव पर कहीं हम खुद को तो नहीं खो रहे, क्योंकि कई बार हम दूसरों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं, और अगर मौका लगे तो हमें रास्ते से हटाने से भी परहेज नहीं करते। आज का ये केस ऐसे ही कई मापदंडों से जुड़ा है जिस पर अपना पक्ष रखेंगे जाने माने क्राइम रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अब से आप अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकते, अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते, अपने मर्जी से घर के बाहर नहीं निकल सकते, अब से आपके घर में बिजली नहीं आएगी, तो आपको कैसे महसूस होगा? आपको घुटन महसूस होगी ना, आपको लगेगा कि जैसे आपकी आजादी आपसे छीन गई हो। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। यह उनकी रोज की लड़ाई है, और जब भी कोई इस लड़ाई में अपना सर उठाकर गहरी और स्वच्छंद सांस लेने की कोशिश करता है तो उसका हनन कर दिया जाता है। अक्सर कई गुनाहों के मोटिव हमें चौंका देते हैं, कई गुनाह के जघन्य कृत्य हमें हिलाकर रख देते हैं, लेकिन इस गुनाह की कहानी में ये दोनों पहलू शामिल हैं। भेदभाव से भरी इस दुनिया में मैं जब भी अपने बाबा की तस्वीर देखती तो मुझे लगता जिंदगी एक बहुत लंबी लड़ाई है और हमें इससे कदम कदम पे लड़ना है। लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो यही ख्याल आता है कि ये लड़ाई अपनी जगह है, पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे अपने हालातों से समझौता करना ही पड़ेगा। सुनो, दो वर्कर उधर भेज दो, साहब ने बोला है, उसको वहीं पे रख दो। हाँ, ये अब अच्छा करिए, तू अच्छा करिए, बहुत अच्छा। अगले महीने से ना तेरी पगार बढ़ा दूंगा। थैंक यू साहब, एक छोटी सी विनती है। हाँ बोलो ना। आज मुझे अपनी बहन को आंगनवाड़ी की डॉक्टरनी के पास लेके जाना है, तो क्या आज मैं जल्दी चली जाऊं? हाँ जाओ ना, जाओ। अच्छा, कोई और समस्या होगी तो बताना, मैं ठीक कर दूंगा। जाओ। ऐसा लगता है सुगंधा, पहले पति ने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था और अब इस बच्चे ने तो मेरे पर ही काट लिए। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो दीदी? और माँ बनने का एहसास तो हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। तू ऐसे कह रही है जैसे तू कई बच्चे को जन्म दे चुकी है। मेरा बस चलता तो बच्चे को कब का गिरवा चुकी होती। बस दीदी, सातवां महीना है आपका और आप अभी बच्चा गिराने की सोच रही हो। चुपचाप डॉक्टरनी के पास चलो और जैसी केयर वो बोलती है आपको वैसी केयर करनी है, समझे आप? ठीक है। आपकी कंपनी की दवाई इतनी घटिया है कि अगर मैं अपने मरीज को दवाई न दूं तो शायद बच जाएगा, लेकिन आपकी कंपनी की दवाई खा के शर्तिया मरेगा वो। और एड्स इतनी हाई, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो नाराज हो गए। देखिए, हमारा और डॉक्टर का तो चोली दामन का साथ होता है, और अगर आप हमारा साथ देंगे ना, हम इतना फायदा करेंगे आपका, आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं तो कहता हूँ आपका क्लिनिक रिनोवेट करवा देते हैं, एकदम मॉडर्न स्टाइल का। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप? अरे जो आप कहते हैं डॉक्टर साहब। और देखिए, साथ मिलकर खाने पीने से सेहत और दिमाग दोनों बढ़िया रहती हैं। है? देखिए, इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं आपकी सेहत खराब कर दूं,
आप जा सकते हैं। अनीता दी, मैंने अखबार में एक संदेश पढ़ा था। इस भेदभाव से भरी दुनिया में हम बच्चों को यही सोच के लाते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान जिंदगी लेने वाले से बड़ा होता है। मान ली तेरी बात, तभी तो ये सब कुछ कर रही हो ना। ये तो बहुत अच्छा कर रही हो आप। ओहो, बंद कर अपना ये ज्ञान संदेश। मैं समझ गई, इस बच्चे को तो जन्म देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में मैं जितेंद्र से तलाक जरूर लूंगी। ये कैसी बात कर रही है अनीता? बिन पति के तेरे और तेरे बच्चे का गुजर बसर कैसे चलेगा? हाँ, ये तो आपको मेरी शादी कराने से पहले सोचना चाहिए था ना माँ। इस शादी ने मेरी जिंदगी पर लंबा विराम लगा दिया है। सब अच्छा हो जाएगा, अच्छी बात ही सोचा कर। अरे दामाद जी, आइए आइए दामाद जी आइए, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आइए ना बैठिए। कोस ही रहे होंगे? अरे नहीं नहीं दामाद जी, थोड़ी करोगे, बैठिए। बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ पे आके बैठ गई है, वहाँ घर का सारा काम चूल्हा चौका मैं कर रहा हूँ। तुझे वापस लेने आया हूँ मैं। हाँ दामाद जी, आपकी पत्नी है, ले जाइएगा, लेकिन पहले बैठिए तो। जी यहाँ से लेके जाऊंगा मैं, समझी? जीजा जी, आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब तक दीदी को बच्चा नहीं हो जाता वो हमारे साथ ही रहेंगी। आपको खुद का होश तो रहता नहीं है, आप दीदी को क्या संभालोगे? बहुत बोल रही है तू, तुझे अकल नहीं है क्या कि घर के दामाद से कैसे बात करते हैं? तमीज सिखाओ इसको। अब कुछ भी बोल बोल रही है तू। अब दामाद जी सही कह रहे हैं, अरे हमारे में पहले डिलीवरी ससुराल में ही होती है, शुभ माना जाता है। जा नाश्ता का बंदोबस्त कर, मुझे देर हो रही है और आपको भी चलना है। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं, बैठिए ना दामाद जी आइए। अरे कितनी देर में गाड़ी लेके आ रहे हो? मैंने कहा था ना कि 10 मिनट में आ जाना, मैं क्लिनिक के बाहर ही हूँ। हाँ ठीक है आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब चलो, अरे चलो जल्दी चलो, अरे बैठो ना गाड़ी में, चलो जल्दी। क्या बदतमीजी है ये? अरे आप ही की सेवा में लगे हुए हैं डॉक्टर साहब, कोई बदतमीजी नहीं है। देखिए मैंने आपको मना किया था सेवा के लिए। अरे एक बार शांति से देख तो लीजिए, क्या सौगात लाए हैं आपके लिए। ऐसे हड़बड़ा के कहाँ जा रही है? आना बेड छोड़ देता हूँ। अरे आना राखी, राखी। अनीता दीदी आप? सुगंधा अभी तक घर नहीं आई, तुमने उसे काम पे देखा था? नहीं दीदी, और वैसे भी हम कई दिनों से मनोहर सेठ के बजाय रेवा शंकर के यहाँ काम कर रहे हैं। आप मनोहर सेठ से बात कीजिए ना। हेलो, मैं जितेंद्र, सुगंधा का जीजा। साहब वो काम से घर नहीं आई, आपको पता है कहाँ है वो? कुछ पता चला? तुम्हें? मेरा दिल बहुत घबरा रहा, अभी तो सुबह भी होने आई, पता नहीं सुगंधा किस हाल में होगी। माफी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। सुगंधा काम क्या करती है? वो मनोहर सेठ के यहाँ सुपरवाइजर है। कल ये काम पर पहुंची थी? हाँ साहब, मेरी मनोहर सेठ से फोन पे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि सुगंधा सुबह थोड़ा लेट पहुंची थी, लेकिन अभी वो नई नई कहानियां बना रहा। साहब क्या कहानियां बना रहा? साहब वो बोल रहा है कि सुगंधा उसके 50,000 लेके भागी है। अब सुगंधा ऐसा कर ही नहीं सकती, मनोहर झूठ बोल रहा। साहब मुझे तो उस पर शक हो रहा है। अब सुगंधा का मोबाइल नंबर दीजिए। वो मोबाइल नहीं रखती साहब। साहब मेरे बच्चे का पता कीजिए, मुझे बहुत फिक्र रहती है। क्या बेफिक्र रहिए, हम जल्दी पता लगाएंगे। सर मैंने ऐसा कब बोला कि सुगंधा मेरे पैसे लेके भाग गई? और उसका जीजा का तो यही कहना। मैंने उसको इतना बोला था कि लेबर की दिहाड़ी देने के लिए सुगंधा को मैंने 50,000 रुपए दिए थे, ये 50,000 रुपए हैं पूरे, ठीक है, सभी मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दे देना। और मैंने खुद उसको वो लंबर मिल वाले रोड पे छोड़ के आया था, लेकिन साहब वो साइट पे पहुंची नहीं। मुझे खुद फिक्र हो रही है साहब सुगंधा की, उसके पास 50,000 रुपए थे। सर क्या मालूम किसी लूट खसूट का शिकार तो नहीं होगी? ये तो अपने 50,000 से ज्यादा सुगंधा की फिक्र कर रहा है, देखते हैं इसकी बातों में कितनी सच्चाई है।
लम्बर मिल रोड पर जहां पर इसने सुगंधा को छोड़ा था वहां पता करो और इसके बाकी मजदूरों से बात करो। हाँ सब, कल इस लड़की को हमने देखा था सुबह जब हम लकड़ी लेकर जा रहे थे, उसके बाद गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उस कार का नंबर वंबर कुछ याद है तुमको? नंबर तो अंग्रेजी में था साहब, तो वो तो हमको पता नहीं, लेकिन जिसके साथ वो गाड़ी में गई वो बात ऐसे कर रही थी जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, वो कार देखने में कैसी थी कुछ पता है? हाँ साहब, काले रंग की थी। ये ऐसी कार थी क्या? नहीं साहब। हाँ हाँ साहब, ऐसी गाड़ी थी। सुगंधा को एक ब्लैक रंग की कार में जाते हुए देखा, ऐसा कौन है जिसके पास काले रंग की कार है? नहीं साहब, सुगंधा किसी कार वाले के साथ क्यों जाएगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। सुगंधा का किसी लड़के से अफेयर? सर, सुगंधा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा उसके साथ। तब तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी अच्छी दोस्त काफी दिनों से गायब है। हाँ सर, मैं खुद शौक हूँ सर, वो अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गई? अच्छा ये बताओ, बात सिर्फ दोस्ती तक थी या कहानी आगे बढ़ गई थी? अब सर कहानी तो गाँव वाले बना रहे हमारे रिश्ते को लेकर, आप तो जानते सर गाँव में कोई साधन है नहीं। अब सुगंधा मुझे कभी दिख गई घर जाते हुए अकेले, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी बस। तो तुम सुगंधा को लिफ्ट देते थे कभी बाइक से, कभी कार से और कभी काली। एक मिनट सर। हेलो, सर ये किसी जानवर की लाश हो सकती है, शायद किसी बंदर के बच्चे की। किसी ने ऐसी रूमर फैला दी होगी, गांव वाले बह गए और इसको एलियन समझ बैठे। इट्स ह्यूमन फेटस, मानव भ्रूण है। यस सर, यू आर राइट, पॉसिबल है। लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाओ, किसी ने अबॉर्शन के बाद यहाँ फेंका। ओके सर। और आसपास सर्च करवाओ, शायद कुछ मिले। ओके सर। परम, उठाओ इसे। एक तरफ एक अज्ञात शव के टुकड़े ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, वहीं लंबर मिल के रास्ते पर जहां सुगंधा देखी गई थी उस एरिया के कुछ ऑफेंडर्स को पुलिस ने राउंड अप किया था। कहां रखा उस लड़की को? तुम दोनों ने उस लड़की के साथ क्या किया? अब माना कि हम लोग छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साहब, लेकिन किसी लड़की के साथ नहीं साहब। इसका मतलब तुम दोनों ऐसे मुंह नहीं खोलोगे? मारो सालों। हेलो हेलो, कौन? सुगंधा? सुगंधा बेटा तुम हो ना? बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारी बेटी सुगंधा जिंदा है। तुम कौन हो? एक बार सुगंधा से बात करवा दो, एक बार। जल्दी आके मिलेगी तुमसे, और हाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले लो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर, गांव वाले जिसको एलियन की लाश समझ रहे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कन्फर्म हो गया कि वो मानव भ्रूण ही है। सर सुगंधा की फैमिली आई है, उन्हें किसी ने फोन किया कि सुगंधा जिंदा है। सबसे पहले मुझे सासों की आवाज सुनाई दी, मुझे लगा कि वो सुगंधा ही थी, पर उसने मुझसे बात नहीं की। फिर किसी आदमी की आवाज आई और वो बोला कि सुगंधा जहां भी है वहां सही सलामत है। आवाज किसकी थी, कुछ अंदाजा? क्या वो आवाज आपकी जान पहचान में किसी की थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, जरूर कोई बड़ा गेम है। अच्छा, क्या बड़ा गेम है? वो तो आप पता कीजिए साहब, हम कैसे बताएं? देखिए ना, माँ जी की हालत कितनी खराब हो रही है। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दीजिए। हाँ सर।
फाइल को डीसी साहब के ऑफिस में भिजवाओ। सर सर, सुगंधा की माँ को जिस नंबर से कॉल किया गया था, ये नंबर हैदराबाद में एक फी गाड़ी से लिया गया था, लेकिन सर लास्ट कॉल के वक्त ये नंबर यहाँ बीरा राजस्थान में एक्टिव था। वो सिम जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल हुआ उसका IMEI नंबर ट्रेस करो। क्या सर? अब अब के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? आने वाले हैं सर। हाँ पर हम सर आइए यहाँ पे अंदर, यहाँ अंदर जंगल में। अरे पीछे हटिए, अरे पीछे पीछे हटिए, चलिए आइए सर। सर गांव वालों ने बताया इस एरिया में रात को बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, मेरे ख्याल से कुत्ते ने बदबू सुन के ये जमीन कुरेद दी। ये देखिए सर, गुड बाय सर। सुगंधा की बॉडी, बहुत ही ब्रूटल मर्डर। सर हम तो सोच रहे थे कि लड़की किसी काली कार वाले के साथ गायब हो गई, फिर वो फोन कॉल्स और अब ये लाश हमें इसी गांव के पास मिली है। अमित, ये कोई बहुत बड़ा गेम है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ और पूरा एरिया सर्च करवा। सर सुगंधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर, सुगंधा को जिस दिन गायब किया गया उसका मर्डर उसी दिन किया गया। और चौंकाने वाली बात यह सर, जब उसका मर्डर हुआ उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? या सर, रिपोर्ट के मुताबिक सुगंधा 3-4 महीने के प्रेग्नेंट थी, उसका रेप भी किया गया सर, उसकी बॉडी पे किसी बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से घाव किए गए। ऐसा लग रहा है किसी ने सुगंधा के साथ बहुत ही गहरी रंजिश निकाली। रंजीश सिर्फ सुगंधा से नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे से भी निकाली गई। ताज्जुब की बात यह है कि लड़की 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी और फैमिली ने कुछ नहीं कहा। वो हमें सड़क किनारे ह्यूमन फिटस मिला था और यहाँ सुगंधा का पेट फाड़कर मैंने क्रॉस चेक किया सर, वो फिटस सुगंधा का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेपिस्ट के DNA का कोई जिक्र नहीं। सर बॉडी 3-4 दिन तक जमीन के नीचे दबी हुई थी इसलिए DNA डिस्टर्ब हो गए होंगे, लेकिन डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं शायद उन्हें सुगंधा की बॉडी पे रेपिस्ट के बाल या ऐसा ही कुछ मिले। वैभव के DNA को फिटस के DNA से मैच करवा के देखो, जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, लड़की के कपड़े रस्सी सबकी। एक बात होता है, ये पक्का रंजिश का मामला है, सुगंधा किसी अपने की नफरत का शिकार हुई है, उसका पेट फाड़ कर भ्रूण बाहर निकाला गया। ये कोई अपना ही कर सकता, जो ये जानता था कि सुगंधा प्रेग्नेंट है उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। मिसिंग होने के 4 दिनों बाद आखिरकार विक्टिम की छत विशत लाश मिली। हमारे सूत्रों के मुताबिक उसका रेप करके बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, उसका पेट तक काट दिया गया था। जाहिर है आखिरी सांस तक वो काफी पीड़ा में रही होगी, काफी चीखी होगी चिल्लाई होगी, लेकिन उसकी चीख कोई ऐसे इंसान तक नहीं पहुंच पाई जो उसे बचा सकता था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से जुड़े कानून में इतने बदलाव और सख्ती के बावजूद कोई इतनी हैवानियत करके ये सोच सके कि वो बच जाएगा, तो ये हमारी कानून व्यवस्था के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। क्या सुगंधा प्रेग्नेंट थी? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? साहब आप सुगंधा का केस सुलझा रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा, सुगंधा का पेट फाड़कर जिस तरह से फिटस निकालकर फेंका गया है पक्का ये रंजिश का मामला। क्या अब भी आप लोगों को किसी पर शक नहीं? माँ चुप क्यों है आप, बोलते क्यों नहीं? डरिए मत, बताइए। कुलदीप से सो दिया। कौन है ये? दूसरी जाति का रईस है साहब, सुगंधा और बाबा उसके यहाँ काम करते थे। तेरी इतनी औकात, तू मेरा पानी कौन सा गया? पानी खत्म हो गया ना साहब। भैया हमारा पानी का गिलास कौन सा गया? तुम क्या कर रहे हो? मारो साले को। आजाद कर देता।
बाबा को मार मार के अधमरा कर दिया और उसके 6 महीने बाद। तो तब आपने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी? कोशिश की थी साहब। आपके ये हवलदार परम जी वो भी थे तब थाने में। साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या अल्लाह हो रही है? साहब मेरे बाबा को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने कुलदीप से सोडा के ग्लास से पानी पी लिया और अब वो नहीं रहे। आप केस बनाओ वो स्पेशल एक्ट में। देखो बिना गवाही के केस नहीं बनता। तुम्हारे अलावा कोई गवाही नहीं दे रहा है कि कुलदीप सिसोदिया जी ने तुम्हारे पिता को मारा था। अरे साहब इनके अफसर दरोगा ने हमारी एक नहीं सुनी। ये भी बहुत खड़े हैं। कुलदीप पर केस करने के लिए सुगंधा कई दिनों से लोगों को इकट्ठा करके गवाह जुटाने में लगी हुई थी। मुझे लगता है कुलदीप को इस सबके बारे में पता चल गया और इसीलिए उसने सुगंधा से बदला लेने के लिए। उन्होंने कह दिया और आपने भरोसा कर लिया? आपको पता भी है सुगंधा का बाप मोतीलाल ठाकुर एक नंबर का चोर था। मेरी साइड से बिल्डिंग मटेरियल चुराता था। अब इस बात को लेकर मेरे कुछ आदमी और उसमें झगड़ा हो गया। अरे मारपीट तो हुई नहीं और वो मुझ पे संगीन आरोप लगा रही है। हमें इतना अंदाजा तो है कि सुगंधा के पिता के साथ क्या नाइंसाफी हुई होगी और ये भी अंदाजा है कि आपके कितने गोरख धंधे चल रहे हैं। बिना सबूत के बहुत कुछ कहते जा रहे हैं आप। सबूत भी ले आए। फिलहाल इतना तो पता चल गया है कि जिस लंबर मिल रोड से सुगंधा गायब हुई थी उसी के पास तुम्हारी जमीन है। तो हो सकता है सुगंधा को उस काली कार में फुसलाकर आपने बिठाया और गायब कर दिया। हम क्यों फुसलाएंगे उसको? अरे क्या आप काली कार कर रहे हैं? मेरे पास ऐसी कोई काली कार है ही नहीं। कोई ठोस सबूत हो ना मेरे खिलाफ तो आना। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। पता लगाओ इसके पास इसकी जान पहचान में किसके पास सेम मॉडल की काले रंग की कार है और जिस दिन सुगंधा का मर्डर हुआ उस दिन इसकी एक एक एक्टिविटी चेक करो। ओके साहब। सर वैभव के कॉल रिपोर्ट्स के मुताबिक वैभव की सुगंधा की फ्रेंड राखी से काफी बातें होती थी। तो क्या ये वैभव सुगंधा और राखी दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा था क्या? हो सकता है कि सुगंधा को वैभव और राखी के बारे में पता चल गया हो और वैभव ने सुगंधा को इस राखी से मिलना पड़ेगा। बोलो चुप क्यों? जानती हो ना वैभव को? हाँ साहब। सुगंधा वाला वैभव ना? सुगंधा वाला वैभव तुम्हें फोन क्यों करता था? बहुत बातें होती थी तुम दोनों में? हमसे बात नहीं करता था वो। हमारे फोन पे सुगंधा से बात करने के लिए फोन करता था क्योंकि सुगंधा के पास फोन नहीं था ना इसलिए। तेरे दोस्त का फोन अभी तक नहीं आया तो तू ही कर लेना। नहीं यार तेरे पैसे कट जाएंगे। वैसे भी वो 8:15 को कॉल करता है। 15 सेकंड अभी भी बाकी है। अरे इसमें क्या हो गया कर। वाह यार टाइम का तो पक्का है। चल चल शुरू हो जा। अच्छा ये वैभव तो कह रहा है कि सुगंधा और वो सिर्फ दोस्त थे। तुम बताओ सिर्फ दोस्त थे या दोनों में अफेयर था? जिस तरह से वो दोनों बातें करते थे उससे ऐसा लगता था कि दोनों प्यार ही नहीं शादी भी करना चाहते थे। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है। वैभव के पास 2 कार थे उसमें से 1 कार उसी मॉडल की है जिसमें सुगंधा को बैठते हुए देखा गया था। हाँ हाँ सर 2 कार्स हैं मेरे पास पर मैंने कभी सुगंधा को उसमें लिफ्ट नहीं दी। और तूने सुगंधा को प्रेग्नेंट भी नहीं किया? नहीं सर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा DNA सैंपल क्यों लिया गया? पता है ना? बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था तो बेटा बहुत तकलीफ होगी। अरे सुगंधा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे घर पे 1 ही घड़ी थी वो भी तो निकाल रही है समय कैसे देखेंगे? क्योंकि माँ अब इस घड़ी का टाइम खत्म और हमारा टाइम शुरू हो गया। मेरी नौकरी लग गई है और देखना धीरे धीरे हम सारी चीजें नहीं ले लेंगे और फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। <laughs>
माँ कब तक इस घड़ी को देखकर रोती रहोगी? आज मैं इस घड़ी को ही उतार कर फेंक देती हूँ। हाँ फेंक दे तू, घड़ी को उतार के फेंक दे, ये टीवी बर्तन कपड़े ये सब कुछ फेंक दे जिसे सुगंधा लेकर आई थी ये घर में। जैसे डीएनए रिपोर्ट आती है मुझे अपडेट करो। सर मैंने राखी के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि जिस दौरान सुगंधा राखी के फोन से वैभव से बात करती थी उसके ठीक बाद राखी के फोन पे किसी रेवा शंकर का फोन आता था। रेवा शंकर? कौन रेवा शंकर? राखी इस रेवा शंकर के यहाँ काम करती थी और सर पता चला है कि सुगंधा भी इस रेवा शंकर के यहाँ काम करती थी 2 महीने पहले तक। और 2 महीने पहले सुगंधा ने बिना बताए बिना सैलरी के यहाँ से काम छोड़ दिया और मनोहर के यहाँ काम करने लगे। राखी के फोन पर 8:15 पर वैभव का फोन आता था सुगंधा के लिए। ये कॉल 8:45 तक चलती थी और उसके ठीक बाद रेवा शंकर राखी के फोन पर फोन करता था और ये कॉल चलती थी 8:45 से 8:55 तक। और सर ये फोन कॉल्स का पैटर्न पिछले काफी समय से ऐसा ही चल रहा है। हो सकता है सर रेवा शंकर और राखी का आपस में अफेयर हो और ये दोनों कपल्स बारी बारी बात करते हो फोन पे। एक काम करो, इस राखी का फोन जब्त करो और उसका डेटा चेक करो, आखिर पता तो चले कि इन सब के बीच में चल क्या रहा था। सर वैभव का डीएनए सुगंधा के बच्चे से मैच हो गया। हाँ परम बोलो। सर हम वैभव को अरेस्ट करने आए थे तो मालूम चला कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? हमें अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि बेरा रेप और हत्याकांड केस के अहम पात्र वैभव ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जानकारी ये भी मिली है कि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, हो सकता है कि उसका बच पाना भी मुश्किल हो। ये इस केस में एक जबरदस्त घुमाव है। क्या वैभव ने यह कदम अपनी तथाकथित गर्लफ्रेंड के खो देने के सदमे में उठाया या फिर वो कुछ ऐसा जानता है जो उसके जान पर बनाए? सर हमने वैभव के घर में सब जगह चेक किया लेकिन कहीं पे भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिली। डॉक्टर अवस्थी, वैभव की हालत अब कैसी? सर उसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉइजन इनहेल किया था, हालांकि हमने सारा पॉइजन तो फ्लश आउट कर दिया पर यह बताना बहुत मुश्किल है कि वो कब तक नॉर्मल हो पाएगा। वैभव की हालत नाजुक है, अब ये पता नहीं उसने गिल्ट में पॉइजन लिया या कोई और बात है। सर अभी FSL ऑफिसर से बात की मैंने, उनका कहना है कि सुगंधा को बांधने में जो रस्सी यूज़ की गई थी वो अफ्रीका के तंजानिया में बनती है। अफ्रीका की रस्सी? या सर ये एक स्पेशल टाइप की रस्सी है। और अफ्रीका के तंजानिया की रस्सी यहाँ कैसे आई? पता लगाओ आसपास के एरिया में तंजानिया से किसका कनेक्शन। सर आपने फारूक और आकाश की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, फारूक के बारे में एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली है। साथ? जी फारूक का भाई साथ, क्या मसला था उसका आपकी फैमिली से? साहब साद अनीता की शादी से पहले अनीता को परेशान किया करता था। दीदी दीदी छोड़ो। हट। माँ माँ अब सुन रहे हो, देखो कोई आवाज आ रही है। अरे क्या हुआ बेटा सुगंधा? क्या हुआ कमीने तू? रुक रुक क्या कर रहा है? हम कुछ समझ पाते कि पड़ोस के लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। हमें सच में नहीं पता था कि ये सब में वो मर जाएगा साहब। हाँ साहब, साथ को जब हम लोग लाए थे तो वो मर चुका था। तो उस वक्त पुलिस रिपोर्ट क्यों उनकी? सब लोग बोल रहे थे कि उसने सुगंधा की बहन का रेप करने की कोशिश की थी, इसलिए हमारी बिरादरी में भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया।
यहाँ तक कि कब्रिस्तान में दफन तक नहीं करने दिया साहब। उसको तो मैंने खुद अपने खेत में दफनाया। तो इसलिए तुम पुलिस रिपोर्ट नहीं कर पाए, पर फिर भी तुम्हें अपने भाई साहब की मौत का दुख तो होगा, बदला भी लेना चाहते होगे। और तुमने अपने भाई की मौत का बदला लिया अनीता की बहन सुगंधा से। तुमने उसका रेप किया और फिर उसका मर्डर किया और उसके बाद साहब माना कि हम लोग छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साहब, लेकिन किसी का रेप नहीं कर सकते साहब। साहब यकीन करो साहब। सर वैभव को होश आ गया। सर मैं जानता था सुगंधा के पेट पे मेरा बच्चा, इसलिए तुम सुगंधा के साथ खेल खेल रहे थे। तुम्हें लगा कि सुगंधा तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले, इसलिए उससे पहले ही तुमने सुगंधा को। नहीं सर, मैंने सुगंधा को कोई धोखा नहीं दिया सर। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यार तुम इतना डरती क्यों? हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बता दो। वैभव मैं माँ को बताने के लिए बता दूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले बहुत ऊँचे हैं। तुम जानती हो अच्छे से मुझे नहीं फर्क पड़ता ये जात पात ऊंच नीच का। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें। हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। फिर एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट। सुगंधा तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा और हमारे बच्चे का। तुम अगर इतने ही सच्चे हो तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गया था सर, सुगंधा से बहुत प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा मरने की सर। मगर तुम बच गए, अभी भी क्या पता सच बोले या झूठ बोले, हो सकता है इस बार भी झूठ बोले और ये कोई ड्रामा कर रहे हो। सर मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा सर, सच में सुगंधा से बहुत प्यार करता था, मैंने नहीं मारा उसको। सर राखी के फोन का डेटा रिकवर किया, उसके फोन के मैसेजिंग ऐप में एक वीडियो मिला जो उसने डिलीट कर दिया था। ले करो सर। इन वीडियोस का सच क्या है जो रेवा शंकर तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए भेजता था? इन वीडियोस के अलावा रेवा शंकर तुम्हें धमकी भरे मैसेजेस भी भेजता था कि अगर तुम काम पर नहीं लौटे तो तुम्हारे ये वीडियोस वो इंटरनेट पर डाल देगा। एक इसमें तेरा फायदा ही फायदा है, जब काम पे जाना जा, जब काम पे नहीं जाना मत जा, और जितना मजदूरी का पैसा होगा ना पूरा का पूरा बचेगा। और देख सबसे बड़ी बात, पैसा कमाएगी तो ही अपने बाप का इलाज करा पाएगी ना। साहब हम मजबूर थे और वो हमें सबसे पहले पाली शहर ले गया, और वहाँ एक आदमी हमें और दो लड़कियों के साथ कार में बिठा कर कहीं और ले गया। फिर रेवा शंकर मुझे अलग अलग आदमियों के पास भेजने लगा। क्या रेवा शंकर तुम्हारी तरह सुगंधा को भी इस धंधे में आने के लिए मजबूर कर रहा था? रेवा शंकर अच्छे से जानता था कि सुगंधा इस धंधे के लिए नहीं मानेगी, तो उसने मुझे मना किया था सुगंधा को कुछ भी बताने से। लेकिन एक दिन लव यू टू बाय। राखी क्या है ये सब? रेवा शंकर कब से कर रहे थे ये साथ ये सब? और तो छुपा क्यों रही है ये सारी चीजें? तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई अब तक? सुगंधा मेरी मदद करना चाहती थी लेकिन वो मेरी खातिर चुप थी, लेकिन तुरंत उसने रेवा शंकर की नौकरी छोड़ दी थी। मैं कल से नौकरी पे नहीं आऊंगी। क्यों क्यों? अरे मैंने सोचा तुझे शहर वाली साइड में भेजूंगा, बहुत पैसा है वहाँ पे। कोई काम नहीं करना तुम्हारा मुझे, सब पता है शहर में क्या धंधे करवाते हो तुम। सर उसके बाद से रेवा शंकर सुगंधा पे खुंदक खाए बैठा था, लेकिन सब मुझे नहीं पता कि सुगंधा के साथ ये सब किसने किया। सर ये रेवा शंकर गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। राखी के बयान के बाद रेवा शंकर सुगंधा रेप और मर्डर केस का भी प्राइम सस्पेक्ट नजर आ रहा था, और पुलिस रेवा शंकर द्वारा चलाए जाने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कई पिम्स को अरेस्ट कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रेवा शंकर की तलाश सुगंधा रेप और मर्डर केस को कोई लीड दे पाएगी, क्योंकि इस केस में कई एंगल्स अब भी ओपन थे और अफ्रीका की रस्सी का एंगल इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था। शायद अफ्रीका के तंजानिया वाली इस रस्सी की लीड मिल गई है सर। दरअसल बेरा का एक बिजनेसमैन है शैलेन तोमर,
जो भी पाली में रहता है उसका अफ्रीका में होटल बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता है, और सर बेरा गांव के कुछ लड़कों को इसने जॉब के लिए अफ्रीका भी भेजा है। मिलो जरा इससे। अरे शैलेंद्र तोमर ने आज तक कभी कोई कच्ची डील नहीं की, हाँ चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, लेकिन जरा ध्यान रहे ऐसे होने चाहिए जो जिंदगी भर अफ्रीका में रहने के लिए राजी हो। अरे साहब आप आओ साहब, पधारो पधारो, बैठिए। अरे राजा राम साहब के लिए चाय लेके आना, मेरी वाली। साहब हमारे यहाँ की चाय बहुत फेमस है। हमने तो सुना है कि तुम भी यहाँ बहुत फेमस हो, अफ्रीका में होटल बिजनेस और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ कि आपकी क्या खातिर करूँ। अफ्रीका के तंजानिया की कंपनी है ट्वाइन एंड कॉटेज, जो इस तरह की रस्सी बनाती है। हाँ सर। हमने सुना है कि तुम्हारी कंपनी भी इसके साथ डील करती रहती है। नहीं साहब, एक बार डील की थी इस कंपनी के साथ। तो तुमने इस रस्सी के साथ क्या किया? सर इस रस्सी में दरअसल इसकी मजबूती कम थी, तो हम लोगों ने इस रस्सी का इस्तेमाल लाइट वेट पैकेजिंग में किया। हमारे यहाँ की स्टेशनरी 3 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में सप्लाई होती है। पुलिस स्टेशन की स्टेशनरी? हाँ सर, मुझे तो लगा आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की स्टेशनरी आपके पाली, सिरोही और नागौर डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशन में होती है। पाली, सिरोही और नागौर, इन तीनों जिलों के थाने का रस्सी से कनेक्शन है, तो कहीं सुगंधा रेप और मर्डर केस में किसी पुलिस वाले की मिली भगत तो नहीं है? अमित एक काम करो, तीनों जिलों के पुलिस कर्मियों की लिस्टिंग करो और पता लगाओ उनमें से किसके पास सेम कलर की और सेम मॉडल की कार है जैसी कार में सुगंधा को आखिरी बार बैठते हुए देखा गया। कुछ नाम मिले हैं सर, इसमें हमारे कांस्टेबल परम का भी नाम है। सर आपने मुझे बुलाया? अच्छा परम, अनित तुम चल। कुलदीप ससदिया को बचाने के लिए क्या तुमने प्रेम सोलंकी का साथ दिया था? तुमने समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, क्या तुमने प्रेम सोलंकी का साथ दिया था? नहीं सर। रणदीप गुजर कौन है? मेरा कजिन भाई। उसके पास किस रंग की कार है? काले रंग की। काले रंग की। उस सुगंधा को आखिरी बार किस रंग की कार में बैठे हुए देखा गया था? काले रंग की। तुम्हारे कजिन के पास सेम मॉडल की काले रंग की कार है, तुमने बताया क्यों नहीं? सर आप कुछ भी कहने जा रहे सर, मेरे कजिन के पास काले रंग की कार है इसका मतलब आप मुझ पे? इसका मतलब मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी हो रही है और तुम्हारे कजन की कार ऑलरेडी फॉरेंसिक के पास है। एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि सुगंधा को गायब करवाने में तुम्हारा जरा भी हाथ था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा सकते हो। सर, सर इन्फॉर्मर से रेवा शंकर का पता चल गया है, वो अपने पुश्तैनी गाँव में, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। ओके सर। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने सुगंधा के साथ कुछ नहीं किया, आप विश्वास तो कीजिए मेरा। सुगंधा को तेरे सेक्स रैकेट के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तुझे डर था कि कहीं वो तेरा पर्दाफाश ना कर दे, इसलिए तुमने सुगंधा को मरवा दिया है ना? वो किसी और की नफरत की शिकार हुई और खामखा आप मेरे पे समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। ऐसे नहीं मानेगा, हड्डी पसली एक कर दो उसकी। सर धर्म के कजन के अलावा सिरोही थाने के एसआई राकेश नागपाल और नागौर थाने के सब इंस्पेक्टर अमजद शेख के पास वैसे ही मॉडल की काले कलर की कार है। सेम मॉडल काली कार? यस सर। और वो अपना कांस्टेबल परम, उसके कजन की कार में फॉरेंसिक को कुछ मिले? नहीं सर। और सर जब इन दोनों के रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए तो पता चला कि राकेश नागपाल वारदात के दौरान ड्यूटी पे था, लेकिन ये अमजद शेख 10 दिन की लीव पे था। देख अमजद, सीधा सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा सीधा जवाब दे, बिना गोल गोल घुमाए। सुगंधा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा उसे?
सर मैं सुगंधा को क्यों मारूंगा? मेरा उसके साथ क्या लेना देना है? वारदात वाले दिन तेरी कार बेरा क्रॉसिंग के पास टोल नाका में कैप्चर हुई और साथ तेरा कजन था। इतनी डिटेल बहुत है, ये और डिटेल दो। हाँ सर, ये सच है कि मैंने ये सब कुछ अपने भाई साथ क्या बदला लेने के लिए किया, लेकिन ये बदला मैंने अकेले नहीं लिया। तो और कौन शामिल था तुम्हारे साथ? बहुत नौटंकी कर ली, पर अब नौटंकी खत्म। बोलो। मैं साथ से प्यार करती थी, उस रात हम लोग भागने भी वाले थे, लेकिन तभी सुगंधा ने मुझे साथ के साथ देख लिया। दीदी कौन है ये? सुगंधा चुप। क्या हो बेटा? दो कमीने इतनी रात में क्या कर रहा था? लेकिन सुगंधा की वजह से साथ उसे सबने इतना पीटा कि वो, और मेरे बाबूजी ने भी उस पर रेप का इल्जाम लगा दिया। ये सब हुआ सिर्फ उस सुगंधा की वजह से, और इस हादसे के एक महीने के अंदर ही बाबूजी ने मेरी शादी उस दारूबाज जितेंद्र के साथ कर दी। वो रोज दारू पीकर आता और मुझे पीटता। दोबारा लड़ाई मेरे से? मेरी जिंदगी नर्क बन गई उस सुगंधा की वजह से, इसलिए मैंने भी उसको नर्क भेजने का सोच लिया। इतनी नफरत अपनी खुद की बहन से? तुम जानती थी कि वो प्रेग्नेंट थी? हाँ, मैंने उसको प्रेगनेंसी की दवा लेते हुए देख लिया था और मैं समझ गई कि ये वैभव का ही बच्चा होगा, और फिर मैंने सोचा यही सही मौका है उससे बदला लेने का, और अमजद भाई भी साथ की मौत का बदला उससे लेना चाहते थे, और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग उस दिन सुगंधा से रास्ते पर मिले। अरे आप, और ये कौन है? ये अमजद भाई है, जितेंद्र के दोस्त। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मुझे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तू भी चल। ठीक हो ना? चल। अरे दीदी सुनो, क्या हुआ? ए, दीदी बाहर निकल। दीदी दरवाजा खोल। जाओ जाओ बेटा, छोड़ दो मुझे। चल। दीदी क्यों कर रही हो? बच्चा पैदा कर बोल बोल के कान खा लिए तूने मेरे, और आज तेरी वजह से जितेंद्र का बच्चा पेट में लेकर मैं घूम रही हूँ। बहुत प्यार करती है ना तू अपने अजन्मे बच्चे से? हाँ, जैसे तूने मुझे मेरे सास से अलग किया था ना, वैसे ही मैं तुझे तेरे बच्चे से अलग कर दूंगी। हो गया, तुम अब घर जाओ, तुम्हें जाने में टाइम लगा तो उनको शक हो जाएगा। दीदी बहुत सियानी बनती है ना तू, तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया, अब तू मजा देख। फिर उसके बाद मैं सुगंधा की लाश को जंगल में लेके गया, जहां मैंने पहले से गड्ढा खोद रखा था। मैंने उसकी बॉडी को वहां डंप कर दिया और निकल गया। वहां से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके फिटस को गड्ढे में डालना भूल गया था मैं, इसलिए वहीं नजदीक में फिटस को रोड साइड में फेंक दिया मैंने। उसके बाद तुमने इनकी माँ को फोन करके ये कहा कि सुगंधा सही सलामत? जी हाँ सर, दरअसल हम लाश मिलने तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाई करना चाहते थे। हमें लगा था शायद टाइम बीतने के बाद सुगंधा की तलाश खत्म हो जाएगी। पुलिस वाले होकर ये कैसे भूल गए कि तलाश कभी खत्म नहीं होती? जुर्म जिंदगी भर मुजरिम का पीछा करता और फिर उसे गर्दन से पकड़कर कानून की चौखट पर लाकर पटकता, जैसे तुम दोनों को पटका। और तुम बदले की आग में इतनी हो गई थी कि एक ही झटके में इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी होने वाले बच्चे की, अपनी बहन की, अपनी माँ की। वो नफरत ज्यादा घातक होती है जब नफरत करने वाला अपने होशो हवास ना खोकर अपनी नफरत को एक सोची समझी साजिश की शक्ल दे देता है। सुगंधा के साथ भी यही हुआ, भले ही उसने ये ना सोचा हो कि अपनी नफरत को निकालने के लिए अनीता उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन जब उसने अनीता को अमजद के साथ देखा तो उसे ये सोचकर सतर्क हो जाना चाहिए था कि अमजद जैसा अनजान शख्स उस वक्त अनीता के साथ क्या कर रहा था। अगर सुगंधा ने एहतियात बरतते हुए अनीता के साथ सही तर्क किया होता
तो शायद वो अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन सुगंधा का अनीता पर किया गया भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।